खैनी, गुटखा, तंबाकू, पान, पान मसाला हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। इनका सेवन मुंह के कैंसर का प्रमुख कारण है। इस मरीज को जीभ का कैंसर है और हमें इसका ध्वनि यंत्र निकालना पड़ा। अब सब भगवान के ऊपर है। तंबाकू परिवारों को उजाड़ देता है। फ्रेंड वेलकम टू हिंदी वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे हिंदी भाषा में बनी एक और सुपरहिट फिल्म को। दोस्तों आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे 15 जून 2001 में रिलीज हुई सुपरस्टार सोनी देओल सर की फिल्म गद्दर मूवी के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे गद्दर मूवी, मूवी रिव्यू और इस मूवी से जुड़े नॉनसेंस फैक्ट जो शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि हमारे चैनल पे मूवी फैक्ट एंड मूवी रिव्यू देखने को मिलता है, तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब बात करें गद्दर मूवी का, डायरेक्टर अनिल शर्मा ने इस फिल्म का डायरेक्ट किए थे और वहीं इस फिल्म का प्रोड्यूसर नितिन केनी ने इस फिल्म का प्रोड्यूस किए थे। और दोस्तों अब बात करें इस फिल्म का लेखक शक्तिमान तलवार ने इस फिल्म का लिखे थे और इस फिल्म का कथावाचक ओम पुरी ने किए थे। फिल्म में सुपरस्टार सोनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, लीलेट दुबे जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अब बात करें इस फिल्म का संगीतकार, उत्तम सिंह द्वारा इस फिल्म का संगीत दिया गया था जो संगीत काफी लोकप्रिय रहा था। और बात करें दोस्तों इस फिल्म का संपादक, अरुण शेखर ने इस फिल्म का संपादित किए थे और इस फिल्म का समय सीमा 186 मिनट की बनाई गई थी। 15 जून 2001 में रिलीज हुई गद्दर मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था और हिंदी भाषा में बनाया गया था। गद्दर 2001 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है और इस फिल्म का निर्देशक अनिल शर्मा ने और निर्मित नितिन केनी ने किया था। इसमें सोनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य किरदार निभा रहे हैं और यह फिल्म को 15 जून 2001 में सिनेमाघरों में पहली बार दिखाया गया था। इस फिल्म में सोनी देओल को उनके शर्मिले किरदार के लिए फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार हेतु नामांकित भी किया गया था। इस फिल्म को बनाने में लगभग 18.5 से 19 करोड़ के रुपए लगे थे और यह फिल्म प्रदर्शित होने के बाद यह भारत की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा देखने जाने वाली दूसरी हिंदी फिल्म बन गई थी और यह फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में। यह फिल्म का कहानी गदर मूवी की कहानी ये तारा सिंह, सोनी देओल और सकीना अमीषा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगे फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहता है और वह इसी दौरान ये अपने पिछले समय के याद करते रहता है। जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बनना चाहता था और उसे मौका नहीं मिलता। जब वो सकीना और उसके दोस्त से मिलता है तो वो ये लोग उसे बेवकूफ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है और तारा को बाद में पता चलता है कि वो ये कोई शिक्षिका नहीं है बल्कि सनी देओल कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार्थी की है और सकीना उनके गायक से काफ़ी प्रभावित रहती है और अपने कॉलेज में हो रहे संगीत समारोहों में अपने जगह तारा को गाने का मौका देती है। तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं और सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चल जाती।
वर्तमान समय तारा उसके अपने घर ले आता है और उसे इसी तरह से उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उस दंगे में उसके पिता असफ अली अमरीशपुरी की मौत हो गई और बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वो लोग जीत रखते हैं और उनका जीवन काफी अच्छा चलते रहता है कि तभी से एक दिन सकीना की नज़र के पुराने अखबार पर पड़ती है और जिसमें उसके पिता होते हैं और जिसे वो मरा हुआ समझ रही होती है। ये सब लाहौर के मेयर है और वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास से कॉल करती है और वो उसके लाहौर आने के लिए विमान का इंतजाम करता है। हालांकि तारा और उनका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं लेकिन वीजा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है और वह जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात करती है तो वो उसके माता पिता मना कर देते हैं जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है और वो लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने दो शर्त रखते हैं कि वो उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम के परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता रहता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा पर अगले दिन वो दोनों शर्त मान लेता है और इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को चाहता है ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है और तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ द्वारा नियुक्त किए हुए हमलावर जो उसे मारने वाला होता है उसे मार देता है और वो तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिलता है और जो भारत जाने वाला होता है वो लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इसी दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है और अस्पताल में सकीना को कोमा में चले जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो वो फिल्म में दिखाया जाता है कि अशरफ अपने नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वो लोग वापस भारत लौट जाते हैं। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अजय सिंह देओल जिसे सनी देओल के नाम से भी जाना जाता है। वो एक भारतीय फिल्म अभिनेता निर्देशक निर्माता और राजनेता है। जाट परिवार में जन्मे वो वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा सांसद है और जिन्हें हिंदी सिनेमा के उनके काम के लिए जाने जाते हैं। 35 साल और 100 से अधिक फिल्मों में फिल्मी करियर में सनी देओल ने दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दो फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। उन्होंने अपना डेब्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म 1982 में किया था और उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार मिला।
इसके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और उनके दिल लगी फिल्म के साथ एक निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपने पढ़ाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया जिसमें उन्होंने अपने भाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया और उनके समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल 1984 और सवेरे वाली गाड़ी 1986, सल्तन 1986 और डकैत 1987, यतीम 1988, वीरता 1993 और इमरान 1994, सलाखे 1998 और फर्ज 2001। 1990 में राजकुमार संतोषी के गंभीर और व्यावसायिक रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक शौकियों की मुक्केबाज के चित्रण के साथ अपनी सनी देओल को व्यापक और मान्यता और प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने 7 फिल्में फेयर अवार्ड जीते और उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल मोशन पिक्चर्स फिल्म प्रदर्शन किया। फिल्म तामिनी लाइटिंग 1993 में उनके एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिलाए। अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा 2001 जिनमें सनी देओल ने एक लारी ड्राइवर का किरदार निभाया था और जिसमें एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपने रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। और उन्होंने एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और सनी देओल की सफल फिल्मों में से द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए जासूस 2003, अपने 2007 यामला पागल दीवाना 2011 और घायल वंस अगेन 2016 शामिल है। इन उपलब्धियों ने उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पूजा देओल से शादी की और जिनसे उनके 2 बेटे हैं और सनी देओल 23 मई 2019 से गुरदासपुर पंजाब से भाजपा के सांसद भी रहे हैं। और दोस्तों बात करें इनकी फिल्मी सफर, सनी देओल ने काफ़ी फिल्म में अभिनय किया है और इनकी पहली फिल्म बेताब थी जो 1983 में प्रदर्शित हुई थी। 2016 में स्वभावत और फरवरी माह में इनकी घायल वंस अगेन फिल्म प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखा है और इस फिल्म का सीक्वल घायल फिल्म जो 1990 में बनी थी और सनी देओल की बॉर्डर तथा गदर इत्यादि फिल्म काफ़ी हिट हुई थी और सनी देओल डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते हैं। सनी देओल के डायलॉग्स आज भी लोगों के जुबा पर आ जाते हैं। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल हिंदी फिल्म की एक अभिनेत्री है और इनका जन्म 9 जून 1976 को मुंबई के बीच डैडी अस्पताल में हुआ था। अमीषा पटेल एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देती है। अमीषा अमित एवं आशा पटेल की पुत्री है और अमित पटेल की बहन है। अमीषा पटेल का जन्म एक गुजराती परिवार में अमित पटेल और आशा पटेल के घर हुआ था। वह अमिश्चित पटेल की बहन और प्रदर्शित हुआ के राजनीतिज्ञ और बैरिस्टर रजनी पटेल की पोती है जो मुंबई के कांग्रेस प्रदेश समिति अध्यक्ष थे और वह कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों में दिखाई दी थी।
उन्होंने एक फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है और पटेल ने सन 2000 की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक थ्रिलर फिल्म कहो ना प्यार है में अपने करियर की शुरुआत की। शीर्ष कमाई करने वाली प्रतिष्ठियों में से वह प्रमुखता से उभरी और गदर एक प्रेम कथा 2001 जो हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक मान गई और उन्होंने फिल्में फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड हमराज और क्या ये प्यार है। उन्होंने अंके 2006 में उनके प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण पहचान मिला। इसके बाद उसने बॉक्स ऑफिस पर हिट हनीमून ट्रैक्सल प्राइड लिमिटेड और भूल भुलैया जो 5 वर्षों में उनकी पहली व्यावसायिक सफलता साबित हुई। 2013 में उसने रेस टू में एक विशेष प्रदर्शन किया और अमीषा पटेल को अक्सर कामुक बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक के रूप में माना जाता है। रेडिफ ने अमीषा पटेल को एक के रूप में चित्रित किया है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अमरीश पुरी अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई अमरीश पुरी हिंदी फिल्म की दुनिया का एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं और अभिनेता के रूप में निशांत मथन और भूमिका जैसी फिल्मों में से अपनी पहचान बनाने वाले श्री पुरी ने बाद में खलनायक के रूप में काफ़ी प्रदर्शित पाई। उन्होंने 1984 में बनी स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जॉन्स एंड टेंपल ऑफ द डूम मोला राम की भूमिका निभाई जो काफ़ी चित्रित रही थी। इस फिल्म का ऐसा असर हुआ कि इन्होंने हमेशा अपना सिर मुंडा कर रहने का फैसला किया। इस कारण खलनायक की भूमिका भी उन्हें काफ़ी मिली और व्यावसायिक फिल्मों में से प्रमुखता से काम करने के बावजूद समांतर या अलग हटकर बनने वाली फिल्मों के प्रति उनका प्रेम बना रहा और वो इस तरह से फिल्मों से भी जुड़े रहे। फिल्म आया खलनायक की भूमिकाओं से हटकर चित्रित अभिनेता की भूमिका वाले अमरीश पुरी का दौर में भी उन्हें अपनी अभिनय काला का जादू कम नहीं होने दिया। फिल्म मिस्टर इंडिया के एक सवाद मोगेम्बो खुश हुआ किसी व्यक्ति का खलनायक वाला रूप सामने लाता है तो फिल्म DDLJ का सवाद जा सिमरन जिले अपनी जिंदगी का व्यक्तिगत रूप से सामने अपनी जिंदगी का व्यक्ति व्यक्तित्व का वह रूप से सामने लाता है जो खलनायक के परिवर्तित हृदय का धोख है। इस तरह हम पाते हैं कि अमरीश पुरी भारतीय जनमानस दोनों पक्षों के व्यक्तित्व करते हैं समय याद किए जाते हैं। फिल्म की सफर अमरीश पुरी ने शादी के सबसे बड़ी हिट फिल्मों में कार्य किया और उनके द्वारा शाहरुख खान की हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अभिनय किया और उसके बावजूद के किरदार की प्रशंसा सर्वत्र की जाती है। उन्होंने मुख्य फिल्म में विलेन का पत्र निभाते देखा गया। 1987 में बनी अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया में उन्होंने मोगेम्बो का किरदार निभाया जो कि फिल्म काफ़ी मुख्य खलनायक की। इसी फिल्म में अमरीश पुरी का डायलॉग्स मोगेम्बो खुश हुआ फिल्म जगत में प्रदर्शित है। और दोस्तों बात करें इनकी करियर की शुरुआत
अमरीश पुरी के करियर की शुरुआत 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया में से अपने करियर अपने आप बिना करियर की शुरुआत उन्होंने सत्यदेव दुबे और ग्रीस कर्नाट के लिखे नाटकों से प्रतुष्टि दी। रंगमंच पर बेहतर प्रतुष्टि के लिए उन्हें 1979 में संगीत नाटक अकादमी की तरह से पुरस्कार दिया गया, जो उनके अभिनय करियर का पहला बड़ा पुरस्कार था। अमरीश पुरी के फिल्म करियर शुरुआत साल 1971 की प्रेम पुजारी से हुई। अमरीश पुरी को हिंदी सिनेमा में उपस्थिति होने के थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन फिर कामयाबी उनके एकदम चुमती गई। 1980 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक की और बड़ी फिल्मों में से छाप छोड़ी। 1987 में शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया मोगेम्बो की भूमिका के जरिए वो सभी के जहन में छा गए। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए सभी का दिल जीत लिया। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों तथा हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया और अमरीश पुरी के अभिनय से सजी कुछ मशहूर फिल्मों और निशांत गांधी, कुल्ली, नागिना, राम लखन, त्रिदेव, फूल और काटे, विश्वात्मा, दामिनी, करण अर्जुन, कोयला इत्यादि आदि फिल्म शामिल है। दर्शक उनकी खलनायक वाली भूमिकाओं को देखने के लिए बेहद उत्साहित होते हैं। उनके जीवन की अंतिम फिल्म किसना थी, जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म गांधी में खान की भूमिका निभाया था और जिसके लिए नितिन केनी ने किया था। इसमें सोनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य किरदार निभा रहे हैं और यह फिल्म को 15 जून 2001 में सिनेमाघरों में पहली बार दिखाया गया था। इस फिल्म में सोनी देओल को उनके शर्मिले किरदार के लिए फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार हेतु नामांकित भी किया गया था। इस फिल्म को बनाने में लगभग 18.5 से 19 करोड़ के रुपए लगे थे और यह फिल्म प्रदर्शित होने के बाद यह भारत की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा देखने जाने वाली दूसरी हिंदी फिल्म बन गई थी और यह फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और दोस्तों, बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, यह फिल्म का कहानी गदर मूवी की कहानी ये तारा सिंह, सोनी देओल और सकीना अमीषा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगे फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहता है और वह इसी दौरान ये अपने पिछले समय के याद करते रहता है। जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बनना चाहता था और उसे मौका नहीं मिलता। जब वो सकीना और उसके दोस्त से मिलता है तो वो ये लोग उसे बेवकूफ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है और तारा को बाद में पता चलता है कि वो ये कोई शिक्षिका नहीं है बल्कि सनी देओल कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार्थी की है और सकीना उनके गायक से काफ़ी प्रभावित रहती है और अपने कॉलेज में हो रहे संगीत समारोहों में अपने जगह तारा को गाने का मौका देती है। तारा के गाने
तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं और सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चल जाती। वर्तमान समय तारा उसके अपने घर ले आता है और उसे इसी तरह से उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उस दंगे में उसके पिता असफ अली अमरीशपुरी की मौत हो गई और बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वो लोग जीत रखते हैं और उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलते रहता है कि तभी से एक दिन सकीना की नज़र के पुराने अखबार पर पड़ती है और जिसमें उसके पिता होते हैं और जिसे वो मरा हुआ समझ रही होती है। ये सब लाहौर के मेयर है और वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास से कॉल करती है और वो उसके लाहौर आने के लिए विमान का इंतजाम करता है। हालांकि तारा और उनका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं लेकिन वीजा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है और वह जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात करती है तो वो उसके माता पिता मना कर देते हैं जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है और वो लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने दो शर्त रखते हैं कि वो उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्तेमाल और इस्लाम के प्रवृत्ति परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता रहता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा पर अगले दिन वो दोनों शर्त मान लेता है और इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को चाहता है ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है और तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ द्वारा नियुक्त किए हुए हमलावर जो उसे मारने वाला होता है उसे मार देता है और वो तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिलता है और जो भारत जाने वाला होता है वो लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इसी दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है और अस्पताल में सकीना को कोमा में चले जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो वो फिल्म में दिखाई जाता है कि अशरफ अपने नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वो लोग वापस भारत लौट जाते हैं। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अजय सिंह देओल जिसे सनी देओल के नाम से भी जाना जाता है वो एक भारतीय फिल्म अभिनेता निर्देशक निर्माता और राजनेता है। जाट परिवार में जन्मे वो वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा सांसद है और जिन्हें हिंदी सिनेमा के उनके काम के लिए जाने जाते हैं। 35 साल और 100 से अधिक फिल्मों में फिल्मी करियर में सनी देओल ने दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दो फिल्मफेयर पुरस्कार जीते।
उन्होंने अपना डेब्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म 1982 में किया था और उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और उनके दिल लगी फिल्म के साथ एक निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपने पढ़ाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया और उनके समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल मंजिल 1984 और सवेरे वाली गाड़ी 1986 सल्तन 1986 और डकैत 1987 यतीम 1988 वीरता 1993 और इमरान 1994 सलाखे 1998 और फर्ज 2001 1990 में राजकुमार संतोषी के गंभीर और व्यवसायिक रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक शौकियों की मुक्केबाज के चित्रण के साथ अपनी सनी देओल को व्यापक और मान्यता और प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने 7 फिल्मफेयर अवार्ड जीते और उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल मोशन पिक्चर्स फिल्म प्रदर्शन किया। फिल्म तामिनी लाइटिंग 1993 में उनके एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिलाए। अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा 2001 जिनमें सोनी देओल ने एक लारी ड्राइवर का किरदार निभाया था और जिसमें एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपनी रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी और उन्होंने एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। और सोनी देओल की सफल फिल्मों में से द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए जासूस 2003 अपने 2007 यामला पागल दीवाना 2011 और घायल वंस अगेन 2016 शामिल है। इन उपलब्धियों ने उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पूजा देओल से शादी की और जिनसे उनके 2 बेटे हैं और सोनी देओल 23 मई 2019 से गुरदासपुर पंजाब से भाजपा के सांसद भी रहे हैं। और दोस्तों बात करें इनकी फिल्मी सफर, सनी देओल ने काफ़ी फिल्म में अभिनय किया है और इनकी पहली फिल्म बेताब थी जो 1983 में प्रदर्शित हुई थी। 2016 में स्वभावत और फरवरी माह में इनकी घायल वंस अगेन फिल्म प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखा है और इस फिल्म का सीक्वल घायल फिल्म जो 1990 में बनी थी और सनी देओल की बॉर्डर तथा गदर इत्यादि फिल्म काफ़ी हिट हुई थी और सनी देओल डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते हैं। सनी देओल के डायलॉग्स आज भी लोगों के जुबा पर आ जाते हैं। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल हिंदी फिल्म की एक अभिनेत्री है और इनका जन्म 9 जून 1976 को मुंबई के बीच डैडी अस्पताल में हुआ था। अमीषा पटेल एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देती है। अमीषा अमित एवं आशा पटेल की पुत्री है और अमित पटेल की बहन है। अमीषा पटेल का जन्म एक गुजराती परिवार में अमित पटेल और आशा पटेल के घर हुआ था। वह अमिश्चित पटेल की बहन और प्रदर्शित हुआ के राजनीतिज्ञ और बैरिस्टर रजनी पटेल की पोती है जो मुंबई के कांग्रेस प्रदेश
समिति अध्यक्ष थे और वह कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों में दिखाई दी थी। उन्होंने एक फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है और पटेल ने सन 2000 की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक थ्रिलर फिल्म कहोना प्यार है में अपने करियर की शुरुआत की। शीर्ष कमाई करने वाली प्रस्तुतियों में से वह प्रमुखता से उभरी और गदर एक प्रेम कथा 2001 जो हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक मान गई और उन्होंने फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड हमराज और क्या ये प्यार है। उन्होंने अंके 2006 में उनके प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण पहचान मिला। इसके बाद उसने बॉक्स ऑफिस पर हिट हनीमून ट्रैक्सल प्राइल लिमिटेड और भूलभुलैया जो 5 वर्षों में उनकी पहली व्यावसायिक सफलता साबित हुई। 2013 में उसने रेस्टू में एक विशेष प्रदर्शन किया और अमीषा पटेल को अक्सर कामुक बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक के रूप में माना जाता है। रेडिफ ने अमीषा पटेल को एक के रूप में चित्रित किया है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अमरीश पुरी अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई अमरीश पुरी हिंदी फिल्म की दुनिया का एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं और अभिनेता के रूप में निशांत मथन और भूमिका जैसी फिल्मों में से अपनी पहचान बनाने वाले श्री पुरी ने बाद में खलनायक के रूप में काफ़ी प्रतिष्ठित पाई। उन्होंने 1984 में बनी स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जॉन्स एंड टेंपल ऑफ द डूम मोला राम की भूमिका निभाई जो काफ़ी चित्रित रही थी। इस फिल्म का ऐसा असर हुआ कि इन्होंने हमेशा अपना सिर मुंडा कर रहने का फैसला किया। इस कारण खलनायक की भूमिका भी उन्हें काफ़ी मिली और व्यावसायिक फिल्मों में से प्रमुखता से काम करने के बावजूद समांतर या अलग हट कर बनने वाली फिल्मों के प्रति उनका प्रेम बना रहा और वो इस तरह से फिल्मों से भी जुड़े रहे। फिल्म आया खलनायक की भूमिकाओं से हटकर चित्रित अभिनेता की भूमिका वाले अमरीश पुरी का दौर में भी उन्हें अपनी अभिनय कला का जादू कम नहीं होने दिया। फिल्म मिस्टर इंडिया के एक संवाद मोगेम्बो खुश हुआ किसी व्यक्ति का खलनायक वाला रूप सामने लाता है तो फिल्म DDLJ का संवाद जा सिमरन जिले अपनी जिंदगी का व्यक्ति रूप से सामने अपनी जिंदगी का व्यक्ति व्यक्तित्व व कारोबार रूप से सामने लाता है जो खलनायक के परिवर्तित हृदय का धोख है। इस तरह हम पाते हैं कि अमरीश पुरी भारतीय जनमानस दोनों पक्षों के व्यक्तित्व करते हैं समय याद किए जाते हैं। फिल्म की सफर अमरीश पुरी ने शादी के सबसे बड़ी हिट फिल्मों में कार्य किया और उनके द्वारा शाहरुख खान की हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अभिनय किया और उसके बावजूद के किरदार की प्रशंसा सर्वत्र की जाती है। उन्होंने मुख्य फिल्म में विलेन का पत्र निभाते देखा गया। 1987 में बनी अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया में उन्होंने मोगेम्बो का किरदार निभाया जो कि फिल्म काफ़ी मुख्य खलनायक की। इसी फिल्म में अमरीश पुरी का डायलॉग्स मोगेम्बो खुश हुआ फिल्म जगत में प्रदर्शित है। और दोस्तों बात करें इनकी करियर की शुरुआत
अमरीश पुरी के करियर की शुरुआत 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया में से अपने आप बिना करियर की शुरुआत उन्होंने सत्यदेव दुबे और ग्रीस कर्नाट के लिखे नाटकों से प्रतुष्टि दी। रंगमंच पर बेहतर प्रतुष्टि के लिए उन्हें 1979 में संगीत नाटक अकादमी की तरह से पुरस्कार दिया गया, जो उनके अभिनय कैरियर का पहला बड़ा पुरस्कार था। अमरीश पुरी के फिल्म कैरियर शुरुआत साल 1971 की प्रेम पुजारी से हुई। अमरीश पुरी को हिंदी सिनेमा में उपस्थिति होने के थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन फिर कामयाबी उनके एकदम चुनती गई। 1980 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक की और बड़ी फिल्मों में से छाप छोड़ी। 1987 में शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया मोगेम्बो की भूमिका के जरिए वो सभी के जहन में छा गए। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए सभी का दिल जीत लिया। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों तथा हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया और अमरीश पुरी के अभिनय से सजी कुछ मशहूर फिल्मों और निशांत गांधी, कुल्ली, नागीना, रामलखन, त्रिदेव, फूल और काटे, विश्वात्मा, दामिनी, करण अर्जुन, कोयला इत्यादि आदि फिल्म शामिल है। दर्शक उनकी खलनायक वाली भूमिकाओं को देखने के लिए बेहद उत्साहित होते हैं। उनके जीवन की अंतिम फिल्म किसना थी, जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म गांधी में खान की भूमिका निभाया था और जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई थी। अमरीश पुरी का 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में उनका मृत्यु हो गया था। और दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता विवेक सौ एक भारतीय अभिनेता है, हास्य अभिनेता, लेखक और गायक है थे। उन्होंने हिंदी और पंजाबी फिल्मों, टेलीविजन धारावाहिकों, थिएटर और टेलीविजन विज्ञापनों में अभिनय किया। विवेक संत निरकारी मिशन से जुड़े थे और नानसेस क्लब के स्थापक सदस्य भी थे। उन्होंने जसपा पार्टी के तथा प्रमुखता से काम किया था। अभिनेता होने के साथ साथ वह एक लोकप्रिय लेखक और गायिका थे। और दोस्तों, बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुरेश ओबराय हिंदी फिल्म की एक अभिनेता है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश भारत के वेकेटा, वर्तमान पाकिस्तान में विशाल कुमार ओब्राय नाम से एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद पिता आनंद स्वरूप ओब्राय ने शक्तिमान तलवार ने इस फिल्म का लिखे थे और इस फिल्म का कथावाचक ओम पुरी ने किए थे। फिल्म में सुपरस्टार सोनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, लीलेट दुबे जैसे और बड़े स्टार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, बात करें इस फिल्म का संगीतकार उत्तम सिंह द्वारा इस फिल्म का संगीत दिया गया था, जो संगीत काफ़ी लोकप्रिय रहा था। और बात करें दोस्तों, इस फिल्म का संपादक अरुण शेखर ने इस फिल्म का संपादित किए थे और इस फिल्म का समय सीमा 186 मिनट की बनाई गई थी। 15 जून 2001 में रिलीज हुई गद्दर मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था और हिंदी भाषा में बनाया गया था। गद्दर 2001 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है और इस फिल्म का निर्देशक अनिल शर्मा ने
अनिल शर्मा ने और निर्मित नितिन केनी ने किया था। इसमें सोनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी मुख्य किरदार निभा रहे हैं और यह फिल्म को 15 जून 2001 में सिनेमाघरों में पहली बार दिखाया गया था। इस फिल्म में सोनी देओल को उनके शर्मिले किरदार के लिए फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार हेतु नामांकित भी किया गया था। इस फिल्म को बनाने में लगभग 18.5 से 19 करोड़ के रुपये लगे थे और यह फिल्म प्रदर्शित होने के बाद यह भारत की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई और उस समय की सबसे ज़्यादा देखने जाने वाली दूसरी हिंदी फिल्म बन गई थी और यह फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपये की कमाई की थी। और दोस्तों, बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, यह फिल्म का कहानी गदर मूवी की कहानी ये तारा सिंह, सोनी देओल और सकीना अमीषा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगे फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहता है और वह इसी दौरान ये अपने पिछले समय के याद करते रहता है। जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बनना चाहता था और वह उसे मौका नहीं मिलता। जब वो सकीना और उसके दोस्त से मिलता है तो वो ये लोग उसे बेवकूफ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है और तारा को बाद में पता चलता है कि वो ये कोई शिक्षिका नहीं है बल्कि सनी देओल कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार्थी की है और सकीना उनके गायक से काफ़ी प्रभावित रहती है और अपने कॉलेज में हो रहे संगीत समारोहों में अपने जगह तारा को गाने का मौका देती है। तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं और सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चल जाती। वर्तमान समय तारा उसके अपने घर ले आता है और उसे इसी तरह से उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उस दंगे में उसके पिता असफ अली अमरीश पुरी की मौत हो गई और बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वो लोग जीत रखते हैं और उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलते रहता है कि तभी से एक दिन सकीना के पुराने अखबार पर पड़ती है और जिसमें उसके पिता होते हैं और जिसे वो मरा हुआ समझ रही होती है। ये सब लाहौर के मेयर है और वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास से कॉल करती है और वो उसके लाहौर आने के लिए विमान का इंतजाम करता है। हालांकि तारा और उनका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं लेकिन वीजा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है और वह जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात करती है तो वो उसके माता पिता मना कर देते हैं जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है और वो लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं।
सकीना के पिता उसके उसके सामने दो शर्त रखते हैं कि वो उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्तेमाल और इस्लाम के प्रवृत्ति परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता है अशरफ को लगता रहता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वो दोनों शर्त मान लेता है और इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को चाहता है ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है। और तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ द्वारा नियुक्त किए हुए हमलावर जो उसे मारने वाला होता है उसे मार देता है और वो तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिलता है और जो भारत जाने वाला होता है वो लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इसी दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है और अस्पताल में सकीना को कोमा में चले जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो वो फिल्म में दिखाई जाता है कि अशरफ अपने नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वो लोग वापस भारत लौट जाते हैं। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अजय सिंह देओल, जिसे सनी देओल के नाम से भी जाना जाता है, वो एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और राजनेता है। जाट परिवार में जन्मे वो वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा सांसद है और जिन्हें हिंदी सिनेमा के उनके काम के लिए जाने जाते हैं। 35 साल और 100 से अधिक फिल्मों में फिल्मी करियर में सनी देओल ने दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दो फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। उन्होंने अपना डेब्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म 1982 में किया था और उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और उनके दिल लगी फिल्म के साथ एक निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपने पढ़ाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया जिसमें उन्होंने अपने भाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया और उनके समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल 1984 और सवेरे वाली गाड़ी 1986, सल्तान 1986 और डकैत 1987, यतीम 1988, वीरता 1993 और इमरान 1994, सलाखे 1998 और फर्ज 2001। 1990 में राजकुमार संतोषी के गंभीर और व्यावसायिक रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक शौकियों की मुक्केबाज के चित्रण के साथ अपनी सनी देओल को व्यापक और मान्यता और प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने 7 फिल्मफेयर अवार्ड जीते और उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल मोशन पिक्चर्स फिल्म प्रदर्शन किया। फिल्म तामिनी लाइटिंग 1993 में उनके एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिलाए। अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा 2001 जिनमें सनी देओल ने एक लारी ड्राइवर का किरदार निभाया था और जिसमें एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपने रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। और उन्होंने एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और सनी देओल की सफल फिल्मों में से
द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए जासूस 2003, आपने 2007 यामला पागल दीवाना 2011 और घायल वंस अगेन 2016 शामिल है। इन उपलब्धियों ने उन्होंने उन्हें हिंदी सिनेमा हिंदी फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पूजा देओल से शादी की और जिनसे उनके दो बेटे हैं और सनी देओल 23 मई 2019 से गुरदासपुर पंजाब से भाजपा के सांसद भी रहे हैं। और दोस्तों बात करें इनकी फिल्मी सफर, सनी देओल ने काफ़ी फिल्म में अभिनय किया है और इनकी पहली फिल्म बेताब थी जो 1983 में प्रदर्शित हुई थी। 2016 में स्वभावत और फरवरी माह में इनकी घायल वंस अगेन फिल्म प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखा है और इस फिल्म का सीक्वल घायल फिल्म जो 1990 में बनी थी और सनी देओल की बॉर्डर तथा गदर इत्यादि फिल्म काफ़ी हिट हुई थी और सनी देओल डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते हैं। सनी देओल के डायलॉग्स आज भी लोगों के जुबा पर आ जाते हैं। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल हिंदी फिल्म की एक अभिनेत्री है और इनका जन्म 9 जून 1976 को मुंबई के बीच डैडी अस्पताल में हुआ था। अमीषा पटेल एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देती है। अमीषा अमित एवं आशा पटेल की पुत्री है और अमित पटेल की बहन है। अमीषा पटेल का जन्म एक गुजराती परिवार में अमित पटेल और आशा पटेल के घर हुआ था। वह अमिश्चंद पटेल की बहन और प्रदर्शित हुआ की राजनीतिज्ञ और बैरिस्टर रजनी पटेल की पोती है जो मुंबई के कांग्रेस प्रदेश समिति अध्यक्ष थे और वह कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों में दिखाई दी थी। उन्होंने एक फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है और पटेल ने सन 2000 की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक थ्रिलर फिल्म कहोना प्यार है में अपने करियर की शुरुआत की। शीर्ष कमाई करने वाली प्रतिष्ठियों में से वह प्रमुखता से उभरी और गदर एक प्रेम कथा 2001 जो हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक मान गई और उन्होंने फिल्मफेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड हमराज और क्या ये प्यार है। उन्होंने अंके 2006 में उनके प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण पहचान मिला। इसके बाद उसने बॉक्स ऑफिस पर हिट हनीमून ट्रैक्सल प्राइल लिमिटेड और भूल भुलैया जो 5 वर्षों में उनकी पहली व्यावसायिक सफलता साबित हुई। 2013 में उसने रेस्टू में एक विशेष प्रदर्शन किया और अमीषा पटेल को अक्सर कामुक बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक के रूप में माना जाता है। रेडिफ ने अमीषा पटेल को एक के रूप में चित्रित किया है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अमरीश पुरी अभिनेता मदनपुरी के छोटे भाई अमरीश पुरी हिंदी फिल्म की दुनिया का एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं और अभिनेता के रूप में निशांत मथन और भूमिका जैसी फिल्मों में से अपनी पहचान बनाने वाले श्री पुरी ने बाद में खलनायक के रूप में काफ़ी प्रदर्शित पाई। उन्होंने 1984 में बनी स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जॉन्सन एंड टेंपल ऑफ द डूम मोला राम की भूमिका निभाई जो काफ़ी चित्रित रही थी। इस फिल्म का ऐसा असर हुआ कि इन्होंने हमेशा अपना सिर मुंडा कर रहने का फैसला किया।
इस कारण खलनायक की भूमिका भी उन्हें काफी मिली और व्यावसायिक फिल्मों में से प्रमुखता से काम करने के बावजूद सम्मान तौर या अलग हटकर बनने वाली फिल्मों के प्रति उनका प्रेम बना रहा और वो इस तरह से फिल्मों से भी जुड़े रहे। फिल्म आया खलनायक की भूमिकाओं से हटकर चित्रित अभिनेता की भूमिका वाले अमरीश पुरी का दौर में भी उन्हें अपनी अभिनय काला का जादू कम नहीं होने दिया। फिल्म मिस्टर इंडिया के एक सवाल मोगेम्बो खुश हुआ किसी व्यक्ति का खलनायक वाला रूप सामने लाता है तो फिल्म DDLJ का सवाल जा सिमरन जिले अपनी जिंदगी का व्यक्ति रूप से सामने अपनी जिंदगी का व्यक्ति व्यक्तित्व का वह रूप से सामने लाता है जो खलनायक के परिवर्तित हृदय का धोख है। इस तरह हम पाते हैं कि अमरीश पुरी भारतीय जनमानस दोनों पक्षों के व्यक्तित्व करते हैं समय याद किए जाते हैं। फिल्म की सफल अमरीश पुरी ने शादी के सबसे बड़ी हिट फिल्मों में कार्य किया और उनके द्वारा शाहरुख खान की हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अभिनय किया और उसके बावजूद के किरदार की सर्वत्र की जाती है। उन्होंने मुख्य फिल्म में विलेन का पत्र निभाते देखा गया। 1987 में बनी अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया में उन्होंने मोगेम्बो का किरदार निभाया जो कि फिल्म काफी मुख्य खलनायक की। इसी फिल्म में अमरीश पुरी का डायलॉग्स मोगेम्बो खुश हुआ फिल्म जगत में प्रदर्शित है। और दोस्तों बात करें इनकी करियर की शुरुआत अमरीश पुरी की कैरियर की शुरुआत 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया में से अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत उन्होंने सत्यदेव दुबे और ग्रीस कर्नाट के लिखे नाटकों से प्रतुष्टि दी। रंगमंच पर बेहतर प्रतुष्टि के लिए उन्हें 1979 में संगीत नाटक अकादमी की तरह से पुरस्कार दिया गया जो उनके अभिनय करियर का पहला बड़ा पुरस्कार था। अमरीश पुरी के फिल्म करियर शुरुआत साल 1971 की प्रेम पुजारी से हुई। अमरीश पुरी को हिंदी सिनेमा में उपस्थिति होने के थोड़ा वक्त जरूर लगा लेकिन फिर कामयाबी उनके एकदम चुनती गई। 1980 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक की और बड़ी फिल्मों में से छाप छोड़ी। 1987 में शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया मोगेम्बो की भूमिका के जरिए वो सभी के जहन में छा गए। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे घायल और विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए सभी का दिल जीत लिया। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़ पंजाबी मलयालम तेलुगु और तमिल फिल्मों तथा हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया और अमरीश पुरी के अभिनय से सजी कुछ मशहूर फिल्मों और निशांत गांधी कुल्ली नागिना राम लखन त्रिदेव फूल और काटे विश्वात्मा दामिनी करण अर्जुन कोयला इत्यादि आदि फिल्म शामिल है। दर्शक उनकी खलनायक वाली भूमिकाओं को देखने के लिए बेहद उत्साहित होते हैं। उनके जीवन की अंतिम फिल्म किसना थी जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म गांधी में खान की भूमिका निभाई।
निभाया था और जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई थी। अमरीश पुरी का 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में उनका मृत्यु हो गया था। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता विवेक शौक। विवेक शौक एक भारतीय अभिनेता है, हास्य अभिनेता, लेखक और गायक है थे। उन्होंने हिंदी और पंजाबी फिल्मों, टेलीविजन धारावाहिकों, थिएटर और टेलीविजन विज्ञापनों में अभिनय किया। विवेक शौक संत निरकारी मिशन से जुड़े थे और नानसेस क्लब के स्थापक सदस्य भी थे। उन्होंने जसपा ने जाने वाली दूसरी हिंदी फिल्म बन गई थी और यह फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और दोस्तों बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में। यह फिल्म का कहानी गदर मूवी की कहानी, ये तारा सिंह, सोनी देओल और सकीना अमीषा पटेल की प्रेम कहानी है। फिल्म की कहानी भारत के विभाजन के दौरान हो रहे दंगे फसाद से शुरू होती है और इसी के दौरान तारा और सकीना मिलते हैं। तारा उसे बचाकर अपने साथ ट्रक में ले जाते रहता है और वह इसी दौरान ये अपने पिछले समय के याद करते रहता है। जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बनना चाहता था और वह उसे मौका नहीं मिलता। जब वो सकीना और उसके दोस्त से मिलता है तो वो ये लोग उसे बेवकूफ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है और तारा को बाद में पता चलता है कि वो ये कोई शिक्षिका नहीं है बल्कि सनी देओल कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार्थी की है और सकीना उनके गायक से काफ़ी प्रभावित रहती है और अपने कॉलेज में हो रहे संगीत समारोहों में अपने जगह तारा को गाने का मौका देती है। तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं और सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चल जाती। वर्तमान समय तारा उसके अपने घर ले आता है और उसे इसी तरह से उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उस दंगे में उसके पिता असफ अली अमरीश पुरी की मौत हो गई और बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वो लोग जीत रखते हैं और उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलते रहता है कि तभी से एक दिन सकीना की नज़र पुराने अखबार पर पड़ती है और जिसमें उसके पिता होते हैं और जिसे वो मरा हुआ समझ रही होती है। ये सब लाहौर के मेयर है और वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास से कॉल करती है और वो उसके लाहौर आने के लिए विमान का इंतजाम करता है। हालांकि तारा और उनका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं लेकिन वीजा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है और वह जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात करती है तो वो उसके माता पिता मना कर देते हैं जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि
सकीना की शादी होने वाली है और वो लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके उसके सामने दो शर्त रखते हैं कि वो उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्तेमाल और इस्लाम के प्रवृत्ति परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता रहता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वो दोनों शर्त मान लेता है और इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को चाहता है ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है। और तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ द्वारा नियुक्त किए हुए हमलावर जो उसे मारने वाला होता है उसे मार देता है और वो तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिलता है और जो भारत जाने वाला होता है वो लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इसी दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है और अस्पताल में सकीना को कोमा में चले जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो वो फिल्म में दिखाई जाता है कि अशरफ अपने नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वो लोग वापस भारत लौट जाते हैं। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अजय सिंह देओल, जिसे सनी देओल के नाम से भी जाना जाता है, वो एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और राजनेता हैं। जाट परिवार में जन्मे वो वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा सांसद है और जिन्हें हिंदी सिनेमा के उनके काम के लिए जाने जाते हैं। 35 साल और 100 से अधिक फिल्मों में फिल्मी करियर में सनी देओल ने दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और दो फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। उन्होंने अपना डेब्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म 1982 में किया था और उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और उनके दिल्लगी फिल्म के साथ एक निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपने पढ़ाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया जिसमें उन्होंने अपने भाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया और उनके समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल 1984 और सवेरे वाली गाड़ी 1986, सल्तन 1986 और डकैत 1987, यतीम 1988, वीरता 1993 और इमरान 1994, सलाखे 1998 और फर्ज 2001। 1990 में राजकुमार संतोषी के गंभीर और व्यवसायिक रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक शौकियों की मुक्केबाज के चित्रण के साथ अपनी सनी देओल को व्यापक और मान्यता और प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने 7 फिल्मफेयर अवार्ड जीते और उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल मोशन पिक्चर्स फिल्म प्रदर्शन किया। फिल्म तामिनी लाइटिंग 1993 में उनके एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिलाए। अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा 2001 जिनमें सनी देओल ने एक लारी ड्राइवर का किरदार निभाया था,
और जिसमें एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपने रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। और उन्होंने एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। और सनी देओल की सफल फिल्मों में से द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए जासूस 2003, अपने 2007 यामला पागल दीवाना 2011 और घायल वंस अगेन 2016 शामिल है। इन उपलब्धियों ने उन्हें हिंदी सिनेमा हिंदी फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पूजा देओल से शादी की और जिनसे उनके दो बेटे हैं। और सनी देओल 23 मई 2019 से गुरदासपुर पंजाब से भाजपा के सांसद भी रहे हैं। और दोस्तों बात करें इनकी फिल्मी सफर, सनी देओल ने काफ़ी फिल्म में अभिनय किया है और इनकी पहली फिल्म बेताब थी जो 1983 में प्रदर्शित हुई थी। 2016 में स्वभावत और फरवरी माह में इनकी घायल वंस अगेन फिल्म प्रदर्शित हुई थी। और इस फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखा है। और इस फिल्म का सीक्वल घायल फिल्म जो 1990 में बनी थी। और सनी देओल की बॉर्डर तथा गदर इत्यादि फिल्म काफ़ी हिट हुई थी। और सनी देओल डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते हैं। सनी देओल के डायलॉग्स आज भी लोगों के जुबा पर आ जाते हैं। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल। अभिनेत्री अमीषा पटेल हिंदी फिल्म की एक अभिनेत्री है और इनका जन्म 9 जून 1976 को मुंबई के बीच डैडी अस्पताल में हुआ था। अमीषा पटेल एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देती है। अमीषा अमित एवं आशा पटेल की पुत्री है और अमित पटेल की बहन है। अमीषा पटेल का जन्म एक गुजराती परिवार में अमित पटेल और आशा पटेल के घर हुआ था। वह अमिश्चंद पटेल की बहन और प्रदर्शित हुआ की राजनीतिज्ञ और बैरिस्टर रजनी पटेल की पोती है जो मुंबई के कांग्रेस प्रदेश समिति अध्यक्ष थे। और वह कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों में दिखाई दी थी। उन्होंने एक फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। और पटेल ने सन 2000 की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक थ्रिलर फिल्म कहोना प्यार है में अपने करियर की शुरुआत की। शीर्ष कमाई करने वाली प्रतिष्ठियों में से वह प्रमुखता से उभरी। और गदर एक प्रेम कथा 2001 जो हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक मान गई। और उन्होंने फिल्में फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड हमराज और क्या ये प्यार है। उन्होंने अंके 2006 में उनके प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण पहचान मिला। इसके बाद उसने बॉक्स ऑफिस पर हिट हनीमून ट्रैक्सल प्राइल लिमिटेड और भूल भुलैया जो 5 वर्षों में उनकी पहली व्यावसायिक सफलता साबित हुई। 2013 में उसने रेस टू में एक विशेष प्रदर्शन किया और अमीषा पटेल को अक्सर कामुक बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक के रूप में माना जाता है। रेडिफ ने अमीषा पटेल को एक के रूप में चित्रित किया है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अमरीश पुरी अभिनेता मदनपुरी के छोटे भाई अमरीश पुरी हिंदी फिल्म की दुनिया का एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं। और अभिनेता के रूप में निशांत मथन और भूमिका जैसी फिल्मों में से अपनी पहचान बनाने वाले श्री पुरी ने बाद में खलनायक के रूप में काफ़ी प्रदर्शित पाई। उन्होंने 1984 में बनी स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जॉनसन एंड टेंपल ऑफ द डूम
मोला राम की भूमिका निभाई जो काफी चित्रित रही थी। इस फिल्म का ऐसा असर हुआ कि इन्होंने हमेशा अपना सिर मुंडा कर रहने का फैसला किया। इस कारण खलनायक की भूमिका भी उन्हें काफ़ी मिली और व्यावसायिक फिल्मों में से प्रमुखता से काम करने के बावजूद सम्मान तौर या अलग हटकर बनने वाली फिल्मों के प्रति उनका प्रेम बना रहा और वो इस तरह से फिल्मों से भी जुड़े रहे। फिल्म आया खलनायक की भूमिकाओं से हटकर चित्रित अभिनेता की भूमिका वाले अमरीश पुरी का दौर में भी उन्हें अपनी अभिनय काला का जादू कम नहीं होने दिया। फिल्म मिस्टर इंडिया के एक सवाल मोगेम्बो खुश हुआ किसी व्यक्ति का खलनायक वाला रूप सामने लाता है तो फिल्म DDLJ का सवाल जा सिमरन जिले अपनी जिंदगी का व्यक्ति रूप से सामने अपनी जिंदगी का व्यक्ति व्यक्तित्व का वह रूप से सामने लाता है जो खलनायक के परिवर्तित हृदय का धोख है। इस तरह हम पाते हैं कि अमरीश पुरी भारतीय जनमानस दोनों पक्षों के व्यक्तित्व करते हैं समय याद किए जाते हैं। फिल्म की सफर अमरीश पुरी ने शादी के सबसे बड़ी हिट फिल्मों में कार्य किया और उनके द्वारा शाहरुख खान की हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अभिनय किया और उसके बावजूद के किरदार की सर्वत्र की जाती है। उन्होंने मुख्य फिल्म में विलेन का पत्र निभाते देखा गया। 1987 में बनी अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया में उन्होंने मोगेम्बो का किरदार निभाया जो कि फिल्म काफ़ी मुख्य खलनायक की। इसी फिल्म में अमरीश पुरी का डायलॉग्स मोगेम्बो खुश हुआ फिल्म जगत में प्रदर्शित है। और दोस्तों बात करें इनकी करियर की शुरुआत अमरीश पुरी की करियर की शुरुआत 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया में से अपने अभिनय करियर की शुरुआत उन्होंने सत्यदेव दुबे और ग्रीस कर्नाट के लिखे नाटकों से प्रतुष्टि दी। रंगमंच पर बेहतर प्रतुष्टि के लिए उन्हें 1979 में संगीत नाटक अकादमी की तरह से पुरस्कार दिया गया जो उनके अभिनय करियर का पहला बड़ा पुरस्कार था। अमरीश पुरी के फिल्म करियर शुरुआत साल 1971 की प्रेम पुजारी से हुई। अमरीश पुरी को हिंदी सिनेमा में उपस्थिति होने के थोड़ा वक्त जरूर लगा लेकिन फिर कामयाबी उनके एकदम चुमती गई। 1980 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक की और बड़ी फिल्मों में से छाप छोड़ी। 1987 में शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया मोगेम्बो की भूमिका के जरिए वो सभी के जहन में छा गए। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए सभी का दिल जीत लिया। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों तथा हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया और अमरीश पुरी के अभिनय से सजी कुछ मशहूर फिल्मों और निशांत गांधी, कुल्ली, नागीना, राम लखन, त्रिदेव, फूल और काटे, विश्वात्मा, दामिनी, करण अर्जुन, कोयला इत्यादि आदि फिल्म शामिल है। दर्शक उनकी खलनायक वाली भूमिकाओं को देखने के लिए बेहद उत्साहित होते हैं। उनके जीवन की अंतिम फिल्म किस
कृष्णा कृष्णा थी जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म गांधी में खान की भूमिका निभाया था और जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई थी। अमरीश पुरी का 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में उनका मृत्यु हो गया था। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता विवेक सौक। विवेक सौक एक भारतीय अभिनेता है, हास्य अभिनेता, लेखक और गायक है थे। उन्होंने हिंदी और पंजाबी फिल्मों, टेलीविजन धारावाहिक को थिएटर और टेलीविजन विज्ञापनों में अभिनय किया। विवेक सौक संत निरकारी मिशन से जुड़े थे और नानसेस क्लब के स्थापक सदस्य भी थे। उन्होंने जसपा पार्टी के तथा प्रमुखता से काम किया था। अभिनेता होने के साथ साथ वह एक लोकप्रिय लेखक और गायिका थे। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुरेश ओबेरॉय। गायक बनना चाहता था और वह उसे मौका नहीं मिलता। जब वो सकीना और उसके दोस्त से मिलता है तो वो ये लोग उसे बेवकूफ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है। और तारा को बाद में पता चलता है कि वो ये कोई शिक्षिका नहीं है बल्कि सनी देओल कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार्थी की है। और सकीना उनके गायक से काफ़ी प्रभावित रहती है और अपने कॉलेज में हो रहे संगीत समारोहों में अपने जगह तारा को गाने का मौका देती है। तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं और सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चल जाती। वर्तमान समय तारा उसके अपने घर ले आता है और उसे इसी तरह से उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उस दंगे में उसके पिता असफ अली अमरीश पुरी की मौत हो गई। और बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वो लोग जीत रखते हैं और उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलते रहता है कि तभी से एक दिन सकीना की नज़र पुराने अखबार पर पड़ती है और जिसमें उसके पिता होते हैं और जिसे वो मरा हुआ समझ रही होती है। ये सब लाहौर के मेयर है और वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास से कॉल करती है और वो उसके लाहौर आने के लिए विमान का इंतजाम करता है। हालांकि तारा और उनका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं लेकिन वीजा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है। और वह जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात करती है तो वो उसके माता पिता मना कर देते हैं जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है और वो लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने दो शर्त रखते हैं कि वो उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम के परिवर्तित
होना पड़ेगा। अशरफ को लगता रहता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वो दोनों शर्त मान लेता है और इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को चाहता है ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है। और तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ द्वारा नियुक्त किए हुए हमलावर जो उसे मारने वाला होता है उसे मार देता है और वो तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिलता है और जो भारत जाने वाला होता है वो लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इसी दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है और अस्पताल में सकीना को कोमा में चले जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो वो फिल्म में दिखाई जाता है कि अशरफ अपने नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वो लोग वापस भारत लौट जाते हैं। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अजय सिंह देओल, जिसे सनी देओल के नाम से भी जाना जाता है, वो एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और राजनेता है। जाट परिवार में जन्मे वो वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा सांसद है और जिन्हें हिंदी सिनेमा के उनके काम के लिए जाने जाते हैं। 35 साल और 100 से अधिक फिल्मों में फिल्मी करियर में सनी देओल ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। उन्होंने अपना डेब्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म 1982 में किया था और उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और उनके दिल लगी फिल्म के साथ एक निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपने पढ़ाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया जिसमें उन्होंने अपने भाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया और उनके समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल 1984 और सवेरे वाली गाड़ी 1986, सल्तान 1986 और डकैत 1987, यतीम 1988, वीरता 1993 और इमरान 1994, सलाखे 1998 और फर्ज 2001। 1990 में राजकुमार संतोषी के गंभीर और व्यावसायिक रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक शौकियों की मुक्केबाज के चित्रण के साथ अपनी सनी देओल को व्यापक और मान्यता और प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने 7 फिल्मफेयर अवार्ड जीते और उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल मोशन पिक्चर्स फिल्म प्रदर्शन किया। फिल्म तामिनी लाइटिंग 1993 में उनके एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिलाए। अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा 2001 जिनमें सनी देओल ने एक लारी ड्राइवर का किरदार निभाया था और जिसमें एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपने रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। और उन्होंने एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और सनी देओल की सफल फिल्मों में से द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए जासूस 2003, अपने 2007 यामला पागल दीवाना 2011 और घायल वंस अगेन 2016 शामिल है।
इन उपलब्धियों ने उन्होंने पूरे हिंदी सिनेमा हिंदी फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पूजा देओल से शादी की और जिनसे उनके दो बेटे हैं और सनी देओल 23 मई 2019 से गुरदासपुर पंजाब से भाजपा के सांसद भी रहे हैं। और दोस्तों बात करें इनकी फिल्मी सफर, सनी देओल ने काफ़ी फिल्म में अभिनय किया है और इनकी पहली फिल्म बेताब थी जो 1983 में प्रदर्शित हुई थी। 2016 में स्वभावत और फरवरी माह में इनकी घायल वंस अगेन फिल्म प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखा है और इस फिल्म का सीक्वल घायल फिल्म जो 1990 में बनी थी और सनी देओल की बॉर्डर तथा गदर इत्यादि फिल्म काफ़ी हिट हुई थी और सनी देओल डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते हैं। सनी देओल के डायलॉग्स आज भी लोगों के जुबा पर आ जाते हैं। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल। अभिनेत्री अमीषा पटेल हिंदी फिल्म की एक अभिनेत्री है और इनका जन्म 9 जून 1976 को मुंबई के बीच डैडी अस्पताल में हुआ था। अमीषा पटेल एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देती है। अमीषा अमित एवं आशा पटेल की पुत्री है और अमित पटेल की बहन है। अमीषा पटेल का जन्म एक गुजराती परिवार में अमित पटेल और आशा पटेल के घर हुआ था। वह अमिश्चित पटेल की बहन और प्रदर्शित हुआ की राजनीतिज्ञ और बैरिस्टर रजनी पटेल की पोती है जो मुंबई के कांग्रेस प्रदेश समिति अध्यक्ष थे और वह कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों में दिखाई दी थी। उन्होंने एक फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है और पटेल ने सन 2000 की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक थ्रिलर फिल्म कहोना प्यार है में अपने करियर की शुरुआत की। शीर्षक कमाई करने वाली प्रतिष्ठियों में से वह प्रमुखता से उभरी और गदर एक प्रेम कथा 2001 जो हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक मान गई और उन्होंने फिल्मफेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड हमराज और क्या ये प्यार है। उन्होंने अंके 2006 में उनके प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण पहचान मिला। इसके बाद उसने बॉक्स ऑफिस पर हिट हनीमून ट्रैक्सल प्राइड लिमिटेड और भूल भुलैया जो 5 वर्षों में उनकी पहली व्यावसायिक सफलता साबित हुई। 2013 में उसने रेस टू में एक विशेष प्रदर्शन किया और अमीषा पटेल को अक्सर कामुक बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक के रूप में माना जाता है। रेडिफ ने अमीषा पटेल को एक के रूप में चित्रित किया है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अमरीश पुरी अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई अमरीश पुरी हिंदी फिल्म की दुनिया का एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं और अभिनेता के रूप में निशांत मथन और भूमिका जैसी फिल्मों में से अपनी पहचान बनाने वाले श्री पुरी ने बाद में खलनायक के रूप में काफ़ी प्रदर्शित पाई। उन्होंने 1984 में बनी स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जॉन्सन एंड टेंपल ऑफ द डूम मोला राम की भूमिका निभाई जो काफ़ी चित्रित रही थी। इस फिल्म का ऐसा असर हुआ कि इन्होंने हमेशा अपना सिर मुंडा कर रहने का फैसला किया। इस कारण खलनायक की भूमिका भी उन्हें काफ़ी मिली और व्यावसायिक फिल्मों में से प्रमुखता से काम करने के बावजूद
समांतर या अलग हटकर बनने वाली फिल्मों के प्रति उनका प्रेम बना रहा और वो इस तरह से फिल्मों से भी जुड़े रहे। फिल्म आया खलनायक की भूमिकाओं से हटकर चित्रित अभिनेता की भूमिका वाले अमरीश पुरी का दौर में भी उन्हें अपनी अभिनय कला का जादू कम नहीं होने दिया। फिल्म मिस्टर इंडिया के बाद एक सवाद मोगेम्बो खुश हुआ किसी व्यक्ति का खलनायक वाला रूप सामने लाता है तो फिल्म DDLJ का सवाद जा सिमरन जिले अपनी जिंदगी का व्यक्तिगत रूप से सामने अपनी जिंदगी का व्यक्ति व्यक्तित्व का वह रूप से सामने लाता है जो खलनायक के परिवर्तित हृदय का धोख है। इस तरह हम पाते हैं कि अमरीश पुरी भारतीय जनमानस दोनों पक्षों के व्यक्तित्व करते हैं समय याद किए जाते हैं। फिल्म की सफर अमरीश पुरी ने शादी के सबसे बड़ी हिट फिल्मों में कार्य किया और उनके द्वारा शाहरुख खान की हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अभिनय किया और उसके बावजूद के किरदार की प्रशंसा सर्वत्र की जाती है। उन्होंने मुख्य फिल्म में विलेन का पत्र निभाते देखा गया। 1987 में बनी अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया में उन्होंने मोगेम्बो का किरदार निभाया जो कि फिल्म काफी मुख्य खलनायक की। इसी फिल्म में अमरीश पुरी का डायलॉग्स मोगेम्बो खुश हुआ फिल्म जगत में प्रदर्शित है। और दोस्तों बात करें इनकी करियर की शुरुआत अमरीश पुरी की करियर की शुरुआत 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया में से अपने अभिनय करियर की शुरुआत उन्होंने सत्यदेव दुबे और ग्रीस कर्नाट के लिखे नाटकों से प्रतुष्टि दी। रंगमंच पर बेहतर प्रतुष्टि के लिए उन्हें 1979 में संगीत नाटक अकादमी की तरह से पुरस्कार दिया गया जो उनके अभिनय करियर का पहला बड़ा पुरस्कार था। अमरीश पुरी के फिल्म करियर शुरुआत साल 1971 की प्रेम पुजारी से हुई। अमरीश पुरी को हिंदी सिनेमा में उपस्थिति होने के थोड़ा वक्त जरूर लगा लेकिन फिर कामयाबी उनके एकदम चुमती गई। 1980 के दशक में उन्होंने बतौर खलनायक की और बड़ी फिल्मों में से छाप छोड़ी। 1987 में शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया मोगेम्बो की भूमिका के जरिए वो सभी के जहन में छा गए। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका के जरिए सभी का दिल जीत लिया। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों तथा हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने अपने पूरे करियर में 400 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया और अमरीश पुरी के अभिनय से सजी कुछ मशहूर फिल्मों और निशांत गांधी, कुल्ली, नागीना, राम लखन, त्रिदेव, फूल और काटे, विश्वात्मा, दामिनी, करण अर्जुन, कोयला इत्यादि आदि फिल्म शामिल है। दर्शक उनकी खलनायक वाली भूमिकाओं को देखने के लिए बेहद उत्साहित होते हैं। उनके जीवन की अंतिम फिल्म किसना थी जो उनके निधन के बाद वर्ष 2005 में रिलीज हुई। उन्होंने कई विदेशी फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने इंटरनेशनल फिल्म गांधी में खान की भूमिका निभाया था और जिसके लिए उनकी खूब तारीफ हुई थी। अमरीश पुरी का 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में उनका मृत्यु हो गया था।
और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता विवेक सहगल। विवेक सहगल एक भारतीय अभिनेता है, हास्य अभिनेता, लेखक और गायक है थे। उन्होंने हिंदी और पंजाबी फिल्मों, टेलीविजन धारावाहिकों, थिएटर और टेलीविजन विज्ञापनों में अभिनय किया। विवेक सहगल संत निरकारी मिशन से जुड़े थे और नानसेस क्लब के स्थापक सदस्य भी थे। उन्होंने जसपा पार्टी के तथा प्रमुखता से काम किया था। अभिनेता होने के साथ साथ वह एक लोकप्रिय लेखक और गायिका थे। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुरेश ओबराय हिंदी फिल्म की एक अभिनेता है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश भारत के वेकेटर में ट्रक में ले जाते रहता है और वह इसी दौरान ये अपने पिछले समय के याद करते रहता है। जब उसकी मुलाकात कॉलेज में सकीना से हुई थी। तारा और सकीना की पहली मुलाकात सकीना के कॉलेज में हुई थी। तारा असल में एक गायक बनना चाहता था और वह उसे मौका नहीं मिलता। जब वो सकीना और उसके दोस्त से मिलता है तो वो ये लोग उसे बेवकूफ बनाते हैं कि सकीना एक संगीत शिक्षिका है और तारा को बाद में पता चलता है कि वो ये कोई शिक्षिका नहीं है बल्कि सनी देओल कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार्थी की है और सकीना उनके गायक से काफ़ी प्रभावित रहती है और अपने कॉलेज में हो रहे संगीत समारोहों में अपने जगह तारा को गाने का मौका देती है। तारा के गाने से सभी प्रभावित होते हैं और सकीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद तारा को अलविदा कह के अपने घर चल जाती। वर्तमान समय तारा उसके अपने घर ले आता है और उसे इसी तरह से उसके अपने घर भेजने के बारे में सोचने लगता है। बाद में सकीना को लगने लगता है कि उस दंगे में उसके पिता असफ अली अमरीशपुरी की मौत हो गई और बाद में धीरे धीरे सकीना और तारा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम वो लोग जीत रखते हैं और उनका जीवन काफ़ी अच्छा चलते रहता है कि तभी से एक दिन सकीना की नज़र के पुराने अखबार पर पड़ती है और जिसमें उसके पिता होते हैं और जिसे वो मरा हुआ समझ रही होती है। ये सब लाहौर के मेयर है और वो अपने पिता से मिलने के लिए दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास से कॉल करती है और वो उसके लाहौर आने के लिए विमान का इंतजाम करता है। हालांकि तारा और उनका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं लेकिन वीजा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है और वह जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात करती है तो वो उसके माता पिता मना कर देते हैं जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है और वो लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने दो शर्त रखते हैं कि वो उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम के परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता है
अशरफ को लगता रहता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा, पर अगले दिन वो दोनों शर्त मान लेता है और इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को चाहता है ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है। और तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ द्वारा नियुक्त किए हुए हमलावर जो उसे मारने वाला होता है उसे मार देता है और वो तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिलता है और जो भारत जाने वाला होता है वो लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इसी दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है और अस्पताल में सकीना को कोमा में चले जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो वो फिल्म में दिखाई जाता है कि अशरफ अपने नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वो लोग वापस भारत लौट जाते हैं। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अजय सिंह देओल, जिसे सनी देओल के नाम से भी जाना जाता है, वो एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और राजनेता है। जाट परिवार में जन्मे वो वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा सांसद है और जिन्हें हिंदी सिनेमा के उनके काम के लिए जाने जाते हैं। 35 साल और 100 से अधिक फिल्मों में फिल्मी करियर में सनी देओल ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। उन्होंने अपना डेब्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म 1982 में किया था और उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और उनके दिल लगी फिल्म के साथ एक निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपने पढ़ाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया जिसमें उन्होंने अपने भाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया और उनके समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल 1984 और सवेरे वाली गाड़ी 1986, सल्तन 1986 और डकैत 1987, यतीम 1988, वीरता 1993 और इमरान 1994, सलाखे 1998 और फर्ज 2001। 1990 में राजकुमार संतोषी के गंभीर और व्यवसायिक रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक शौकियों की मुक्केबाज के चित्रण के साथ अपनी सनी देओल को व्यापक और मान्यता और प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने 7 फिल्मफेयर अवार्ड जीते और उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल मोशन पिक्चर्स फिल्म प्रदर्शन किया। फिल्म तामिनी लाइटिंग 1993 में उनके एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिलाए। अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा 2001 जिनमें सनी देओल ने एक लारी ड्राइवर का किरदार निभाया था और जिसमें एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपने रिलीज के समय सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। और उन्होंने एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और सनी देओल की सफल फिल्मों में से द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए जासूस 2003, अपने 2007 यामला पागल दीवाना 2011 और घायल वंस अगेन 2016 शामिल है।
इन उपलब्धियों ने उन्होंने पूरे हिंदी सिनेमा हिंदी फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पूजा देओल से शादी की और जिनसे उनके दो बेटे हैं और सोनी देओल 23 मई 2019 से गुरदासपुर पंजाब से भाजपा के सांसद भी रहे हैं। और दोस्तों बात करें इनकी फिल्म सफर, सोनी देओल ने काफ़ी फिल्म में अभिनय किया है और इनकी पहली फिल्म बेताब थी जो 1983 में प्रदर्शित हुई थी। 2016 में स्वभावत और फरवरी माह में इनकी घायल वंश अगेन फिल्म प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म को सोनी देओल ने खुद ने लिखा है और इस फिल्म का सीक्वल घायल फिल्म जो 1990 में बनी थी और सोनी देओल की बॉर्डर तथा गदर इत्यादि फिल्म काफ़ी हिट हुई थी और सोनी देओल डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते हैं। सोनी देओल के डायलॉग्स आज भी लोगों के जुबा पर आ जाते हैं। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल हिंदी फिल्म की एक अभिनेत्री है और इनका जन्म 9 जून 1976 को मुंबई के बीच डैडी अस्पताल में हुआ था। अमीषा पटेल एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल है जो मुख्य रूप से बॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देती है। अमीषा अमित एवं आशा पटेल की पुत्री है और अमित पटेल की बहन है। अमीषा पटेल का जन्म एक गुजराती परिवार में अमित पटेल और आशा पटेल के घर हुआ था। वह अमिश्चित पटेल की बहन और प्रदर्शित हुआ के राजनीतिज्ञ और बैरिस्टर रजनी पटेल की पोती है जो मुंबई के कांग्रेस प्रदेश समिति अध्यक्ष थे और वह कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों में दिखाई दी थी। उन्होंने एक फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है और पटेल ने सन 2000 की ब्लॉकबस्टर रोमांटिक थ्रिलर फिल्म कहोना प्यार है में अपने करियर की शुरुआत की। शीर्ष कमाई करने वाली प्रस्तुतियों में से वह प्रमुखता से उभरी और गदर एक प्रेम कथा 2001 जो हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक मान गई और उन्होंने फिल्मफेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड हमराज और क्या ये प्यार है उन्होंने अंके 2006 में उनके प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण पहचान मिला। इसके बाद उसने बॉक्स ऑफिस पर हिट हनीमून ट्रैक्सल प्राइल लिमिटेड और भूलभुलैया जो 5 वर्षों में उनकी पहली व्यावसायिक सफलता साबित हुई। 2013 में उसने रेस टू में एक विशेष प्रदर्शन किया और अमीषा पटेल को अक्सर कामुक बॉलीवुड अभिनेत्रियों में से एक के रूप में माना जाता है। रेडिफ ने अमीषा पटेल को एक के रूप में चित्रित किया है। और दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार अमरीश पुरी अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई अमरीश पुरी हिंदी फिल्म की दुनिया का एक प्रमुख स्तंभ रहे हैं और अभिनेता के रूप में निशांत मथन और भूमिका जैसी फिल्मों में से अपनी पहचान बनाने वाले श्री पुरी ने बाद में खलनायक के रूप में काफ़ी प्रदर्शित पाई। उन्होंने 1984 में बनी स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जॉन्स एंड टेंपल ऑफ द डूम मोला राम की भूमिका निभाई जो काफ़ी चित्रित रही थी। इस फिल्म का ऐसा असर हुआ कि इन्होंने हमेशा अपना सिर मुंडा कर रहने का फैसला किया। इस कारण खलनायक की भूमिका भी उन्हें काफ़ी मिली और व्यावसायिक फिल्मों में से प्रमुखता से काम करने के बावजूद समान
समांतर या अलग हटकर बनने वाली फिल्मों के प्रति उनका प्रेम बना रहा और वो इस तरह से फिल्मों से भी जुड़े रहे। फिल्म आया खलनायक की भूमिकाओं से हटकर चित्रित अभिनेता की भूमिका वाले अमरीश पुरी का दौर में भी उन्हें अपनी अभिनय काला का जादू कम नहीं होने दिया। फिल्म मिस्टर इंडिया के बाद एक सवाद मोगेम्बो खुश हुआ किसी व्यक्ति का खलनायक वाला रूप सामने लाता है तो फिल्म DDLJ का सवाद जा सिमरन जिले अपनी जिंदगी का व्यक्ति रूप से सामने अपनी जिंदगी का व्यक्ति व्यक्तित्व का वह रूप से सामने लाता है जो खलनायक के परिवर्तित हत्या का धोख है। इस तरह हम पाते हैं कि अमरीश पुरी भारतीय जनमानस दोनों पक्षों के व्यक्तित्व करते हैं समय याद किए जाते हैं। फिल्म की सफर अमरीश पुरी ने शादी के सबसे बड़ी हिट फिल्मों में कार्य किया और उनके द्वारा शाहरुख खान की हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में अभिनय किया और उसके बावजूद के किरदार की प्रशंसा सर्वत्र की जाती है। उन्होंने मुख्य फिल्म में विलेन का पत्र निभाते देखा गया। 1987 में बनी अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया में उन्होंने मोगेम्बो का किरदार निभाया जो कि फिल्म काफ़ी मुख्य खलनायक की। इसी फिल्म में अमरीश पुरी का डायलॉग्स मोगेम्बो खुश हुआ फिल्म जगत में प्रदर्शित है। और दोस्तों बात करें इनकी कैरियर की शुरुआत अमरीश पुरी की कैरियर की शुरुआत 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया में से अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत उन्होंने सत्यदेव दुबे और ग्रीश कर्नाड के लिखे नाटकों से प्रतुष्टि दी। रंगमंच पर बेहतर प्रतुष्टि के लिए उसे कॉल करती है और वो उसके लहर आने के लिए विमान का इंतजाम करता है। हालांकि तारा और उनका बेटा भी साथ में जाने वाले होते हैं लेकिन वीजा की परेशानी के कारण सिर्फ सकीना ही जाती है और वह जाने के बाद जब सकीना वापस आने की बात करती है तो वो उसके माता पिता मना कर देते हैं जिससे सकीना का दिल टूट जाता है। सकीना के पिता उसकी जबरन दूसरी शादी करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच तारा और उसका बेटा पाकिस्तान में गैर कानूनी रूप से अंदर आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सकीना की शादी होने वाली है और वो लोग उस जगह पर आ जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं। सकीना के पिता उसके सामने दो शर्त रखते हैं कि वो उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी और इस्लाम के परिवर्तित होना पड़ेगा। अशरफ को लगता रहता है कि तारा कभी इन दोनों शर्तों को नहीं मानेगा पर अगले दिन वो दोनों शर्त मान लेता है और इसके बाद वो तारा से अपने देश का अपमान करने को चाहता है ताकि पता चल सके कि वो सच्चा पाकिस्तानी है और तारा इससे गुस्से में आ जाता है और अशरफ द्वारा नियुक्त किए हुए हमलावर जो उसे मारने वाला होता है उसे मार देता है और वो तीनों उस जगह से भाग जाते हैं और एक जगह छुप जाते हैं। उन तीनों को ट्रेन मिलता है और जो भारत जाने वाला होता है वो लोग उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जब अशरफ को ये बात पता चलती है तो वो कुछ लोगों के साथ उन्हें रोकने आ जाता है। इसी दौरान सकीना को उसके पिता की गोली लग जाती है और
अस्पताल में सकीना को कोमा में चले जाती है। जब उसे वापस होश आता है तो वो फिल्म में दिखाई जाता है। ये अशरफ अपने नाती और तारा को स्वीकार कर लेता है और वो लोग वापस भारत लौट जाते हैं। दोस्तों बात करें भारतीय फिल्म अभिनेता सुपरस्टार सनी सुपरस्टार अजय सिंह देओल, जिसे सनी देओल के नाम से भी जाना जाता है, वो एक भारतीय फिल्म अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और राजनेता है। जाट परिवार में जन्मे वो वर्तमान में पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा सांसद है और जिन्हें हिंदी सिनेमा के उनके काम के लिए जाने जाते हैं। 35 साल और 100 से अधिक फिल्मों में फिल्मी करियर में सनी देओल ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। उन्होंने अपना डेब्यू अमृता सिंह के साथ बेताब फिल्म 1982 में किया था और उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने 1980 और 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय किया और उनके दिल लगी फिल्म के साथ एक निर्देशक और निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अपने पढ़ाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया जिसमें उन्होंने अपने भाई बॉबी देओल के साथ अभिनय किया और उनके समीक्षकों द्वारा पहचानी गई रचना में मंजिल 1984 और सवेरे वाली गाड़ी 1986, सल्तन 1986 और डकैत 1987, यतीम 1988, वीरता 1993 और इमरान 1994, सलाखे 1998 और फर्ज 2001। 1990 में राजकुमार संतोषी के गंभीर और व्यावसायिक रूप से सफल घायल में अपने भाई की हत्या के आरोपी एक शौकियों की मुक्केबाज के चित्रण के साथ अपनी सनी देओल को व्यापक और मान्यता और प्रशंसा मिली। इस फिल्म ने 7 फिल्मफेयर अवार्ड जीते और उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी स्पेशल जूरी अवार्ड स्पेशल मोशन पिक्चर्स फिल्म प्रदर्शन किया। फिल्म तामिनी लाइटिंग 1993 में उनके एक वकील ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई प्रशंसाएं दिलाए। अनिल शर्मा की गदर एक प्रेम कथा 2001 जिनमें सनी देओल ने एक लारी ड्राइवर का किरदार निभाया था और जिसमें एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है जो अपने रिलीज के समय सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। और उन्होंने एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और सनी देओल की सफल फिल्मों में से द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए जासूस 2003, अपने 2007 यामला पागल दीवाना 2011 और घायल वंस अगेन 2016 शामिल है। इन उपलब्धियों ने उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने पूजा देओल से शादी की और जिनसे उनके 2 बेटे हैं और सनी देओल 23 मई 2019 से गुरदासपुर पंजाब से भाजपा के सांसद भी रहे हैं। और दोस्तों बात करें इनकी फिल्म सफर, सनी देओल ने काफ़ी फिल्म में अभिनय किया है और इनकी पहली फिल्म बेताब थी जो 1983 में प्रदर्शित हुई थी। 2016 में स्वभावत और फरवरी माह में इनकी घायल वंस अगेन फिल्म प्रदर्शित हुई थी और इस फिल्म को सनी देओल ने खुद ने लिखा है और इस फिल्म का सीक्वल घायल फिल्म जो 1990 में बनी थी और सनी देओल की बॉर्डर तथा गदर इत्यादि फिल्म काफ़ी हिट हुई थी और सनी देओल
डायलॉग डिलीवरी के लिए भी जाने जाते हैं। सोनी देओल